मुस्लिम स्कॉलर ने रची खूनी साजिश, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दो ऑप्शंस। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं। उनकी पार्टी के नेताओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। कई मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है, लेकिन अल्पसंख्यक अभी भी सुरक्षित नहीं है। अब भी हिंदू अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने हिंसा रोकने की अपील तो की है, लेकिन इस अपील का कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोग इधर उधर छिप कर अपनी जान बचा रहे हैं। इन खबरों के बाद से दुनिया भर में कई कट्टरपंथी मुसलमानों ने खुशी जताई है। कुछ तो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीद भी करने लगे हैं। खुद को इस्लामी विद्वान बताने वाले अबू नजम फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देने की अपील की है। उसने ट्वीट में इस्लामी न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं के पास केवल दो विकल्प हैं, जिसमें पहला मौत को गले लगाना है। खुद को पीएचडी छात्र बताने वाले अल इस्कंदर ने ट्वीट में लिखा, मुझे ये जानकर बहुत राहत हुई है कि अहले सुन्ना इस्लामी न्यायशास्त्र की चार में से तीन विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल दो विकल्प होने चाहिए, पहले तलवार और दूसरा इस्लाम को अपना लें। हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मलिकी, सैफी या हनबली से। दरअसल ये सभी सुन्नी मुसलमानों में मुस्लिम कानून की चार प्रमुख विचारधाराएं हैं, जिन्हें ढाल बनाकर फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने अपनी जहरीली सोच जाहिर की है। उसने सऊदी अरब और कतर में प्रमुख सुन्नी स्कूल हनबली के इस्लामी कानून का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों से खुद को अलग दिखाने के लिए उन्हें सिर के सामने के हिस्से के बालों को मुंडवाना चाहिए। दरअसल उसने ये दिखाने की कोशिश की है कैसे गैर मुस्लिमों से अपमानजनक व्यवहार के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि वे मुसलमानों से कमतर हैं। उसने खुद को उदारवादी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि उन हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है जो मुस्लिम देशों में रहते हुए उनके नीचे रहना स्वीकार करते हैं, अपने धर्म को त्याग देते हैं और इस्लामी कानूनों और नियमों के अनुसार जिंदगी गुजारते हैं। बांग्लादेश में महीने भर पहले नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुए आंदोलन ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा समझ आता है, लेकिन इस सब में अल्पसंख्यक हिंदू निशाना क्यों बन रहे हैं? दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले, हंगामा करने वाले, हिंदुओं पर हमले करने वाले ज्यादातर यंग जनरेशन है। वो युवा जिनके दिमाग में न सिर्फ शेख हसीना सरकार बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत का जहर भरा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले सिर्फ धर्म का मसला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और मानवता का सवाल है, क्योंकि ये हिंदू बांग्लादेश के नागरिक हैं। इनके घरों को लूटा जा रहा है, अपने ही देश में उनके घर, संपत्ति, जमीन, दुकान, हर चीज से उनको बेदखल किया जा रहा है। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? कट्टरपंथियों के सामने पीड़ित हिंदू खुद को छोड़ने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी रुक नहीं रहे, बल्कि बेरहमी की सारी हदों को पार कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि ये अबू नजम फर्नांडो बिन अल इस्कंदर जैसे ही कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश है। लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोगों को ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम अमन पसंद मजहब है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस खबर को शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।